तो हाँ भाई, क्या हाल चाल है भाइयों। आरसीबी, सीएसके, केकेआर या फिर मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या, सब की मीम्स निकल के आ गए हैं भाइयों। एक एक मैच हो चुका है, एक एक हार चुके हैं, कई तो एक दो दो जीत चुके हैं, सिर्फ सीएसके जीत चुकी है दो मैच। तो देखते हैं भाइयों, रील्स मीम्स निकल आ गए हैं क्योंकि बहुत लफड़ा भी हो चुका है। आईपीएल शुरू हुआ नहीं, लफड़े शुरू हो गए पहले ही। तो मतलब अच्छे मीम्स रील्स निकल के आ गई हैं भाइयों। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या भाई, छपरी पता नहीं क्या क्या चल रहा है। देखते हैं मीम्स में निकले हैं, मीम्स उसमें भी कुछ निकले हैं, देखते हैं भाई क्या बनता है। वैसे आपको हनी सिंह ने रिप्लाई दे दिया बादशाह को, देखा तुमने? नहीं। वो भी दिखाते हैं भैया। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना। आग लगना हर्षित राणा और मयंक अग्रवाल के, देख रहे मतलब मैच शुरू होता नहीं है, आईपीएल शुरू होता नहीं है, पहले सोच के रखते हैं भाई इसको तो हम ऐसा नया कुछ ना कुछ तो फ्लाइंग किस तो देंगे। और उस आग में घी डालना। रोहित शर्मा और मैच है आज मैं शूट कर रहा हूँ तब मैच है मुंबई इंडियन और सनराइज़ हैदराबाद। रोहित शर्मा तो थोड़ा फ्री माइंड हो गए हैं, कह रहे हैं कि भाई कप्तानी तो मेरे को करनी नहीं है, मेरा अरे कप्तानी भाई। कल का मैच होके हटा है सीएसके और रात का, और ये गुजरात हार चुकी है। तो हार्दिक पांड्या क्या कह रहे हैं भाई? क्या नजारा देखने के लिए आया हूँ? याद है धनराज? ठीक ऐसा ही नजारा हमने पहले भी कभी देखा है, फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त तुम खुश थे। अब मैं खुश हूँ भाई। ये आपको पता है कौन सी मूवी है? डॉक्टर से बताओ, मेरे को तो पता है। चलो आगे देखते हैं। मेरा देखो T20 वर्ल्ड कप में शुभम दुबे। भाई रील्स निकल के आ रही है बाहर, मतलब रील्स बहुत आती हैं कि भाई हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को इस कोने से उस कोने दौड़ा रहा है। कैप्टन है ना भाई मुंबई इंडियन का, तो दौड़ा सकता है। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इंडिया का रोहित शर्मा है, वो भी दौड़ा सकता है। सोएगा नहीं टीम में, कहेगा बाहर रहते, तेरे को ग्राउंड में घुसने नहीं दूंगा। अदर मैच कैमरा मैन कल का मैच देखना तुम, अगर तुमने देखा होगा तुम्हें पता होगा कि जो कैमरा मैन है वो धोनी को ही दिखाई जा रहा था। धोनी हंस रहा है, धोनी कुछ कर रहा है, धोनी पैड पहना है, धोनी ने हेलमेट पहन लिया। भाई धोनी का जमाना उगा जाएगा, लेकिन कैमरे वाले तो धोनी को दिखाएंगे, और जब धोनी को दिखाएंगे ना तो क्राउड भी बहुत शोर मचाता है भाई। धोनी देख रहे हैं, अरे बच्चों ने मारा कि मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे लड़के मार रहे हैं। रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्र, अबे भाई रविंद्र जडेजा की शेप करा दो ना, दोनों सेम लग रहे हैं, सेम टू सेम। रोहित शर्मा आफ्टर वाचिंग शिवम दुबे परफॉर्मेंस इन आईपीएल, जोगी जी नींद ना आवे, ये नींद हार्दिक पांड्या को नहीं आएगी। अभी तो मैच काफी बचे हैं, देखो हार्दिक पांड्या क्या करते हैं। सीन इज ड्रेसिंग रूम आफ्टर MI वर्सेस GT। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है रे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरे बहुत से नाम है माँ जी, कोई मुझे सुअर कहता है, कोई मुझे मवाली कहता है, कोई बनौती कहता है, कोई छपरी कहता है, कोई कुत्ता भी भाई घूम रहा था, कुत्ता भी कह रहे थे। हर्षल पटेल 2021-2024, हाँ भाई टीम चेंज हो जाएगी, काम थोड़े चेंज होंगे बंदे के। 37 रन खाए थे, जडेजा था सामने और कोहली भी पीछे खड़ा देख रहा था भाई किससे छक्के खा रहा है, और इधर फिर इन्होंने छक्के खा लिए हैं। वो भी दिल्ली के एक ऐसे प्लेयर से जिसका मैंने नाम नहीं सुना था अभी तक, उससे छक्के खाए हैं इस बंदे ने। 27 रन कितने, 30 रन खा लिए। क्या चल रहा है हर्षल पटेल को, चाहे 8 करोड़ मिले चाहे 2 करोड़ मिले, इससे अच्छा तो सबसे मेरे को तो ये भाई क्या लगता हूँ, कहते नहीं सस्ते के भाव में मिल गया इनको वो रचिन रविंद्र, 1.5 करोड़ में मिल गया सीएसके को। परंपरा हर्षल पटेल का परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। RCB इन एवरी सीजन ऑफ IPL और सिकंदर बांका ने RCB किस्मत, नेशनल चैंपियन भी है जी, बस जी थोड़ा सा गुस्ताख है। गुस्ताख? हाँ जी वेखनी है गुस्ताखी। अदर स्ट्रीम आईपीएल ट्रॉफी स्विट्जरलैंड। पेशेंस इज वेनिंग, इज दिस एंटरटेनिंग, माय पेशेंस इज वेनिंग, इज दिस एंटरटेनिंग। सही है
रही है यार, वो उनसे एक नहीं आ रही। ये पांच पांच लेके बैठे हैं, ऐसी आसान है उनके लिए, आसान है। लास्ट आईपीएल ऑफ धोनी क्या, प्लीज कहने से क्या होगा? अरे भाई एक आदमी प्लीज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है आपको, तो रिक्वेस्ट समझ में आता है कि नहीं? कल का मैच देखा, सब कह रहे हैं कि भाई धोनी सर बाहर आएंगे मैच खेलेंगे, उन्होंने फिर यार जडेजा को भेज दिया। रिक्वेस्ट, सबकी रिक्वेस्ट है भाई, तुम दो गेंद के लिए बाहर आ जाओ, बस तुम आ जाओ, वैसे भी तुमको सारा कैमरा तो अंदर भी तुम्हारे ऊपर ही रहता है। ये आ गया भाई हनी सिंह और बादशाह की बकचोदी, ये हनी सिंह का जवाब है, देखते क्या कर रहे हैं। किसी का कद नहीं देखा जाता, जिंदगी की धूप रोज बदलती है, आज तेरी धूप तो कल मेरी धूप भी होगी। और मेरे को सब बोलते हैं जवाब दो, रिप्लाई करो, मैं क्यों रिप्लाई करूं? तुम लोग ऑलरेडी उसकी गांड में बाजू दे रखी, मुझे बहुत अच्छी जरूरत नहीं पड़ती, तुम लोग क्रेजी हो, पागल है उसके बैल और पागल है। सही कहा, ये ना रिप्लाई आया है बादशाह का एक, आगे वाला सीन वो दिखाता हूँ उसके बाद आया है, और ये सही कहा है कि बादशाह की दे रखी थी, तभी बादशाह ने कहा कि पेन कागज लाओ मैं लिख के देता हूँ। एक पेन और पेपर देना, पेन पेपर गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए, कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे का। बांधोगे तो कोई ना कोई तो कुछ बोलेगा, वैसे भी यार हर बंदे का अलग अलग टाइम है, आज इनका है कल नहीं होगा। भाई हनी सिंह ने बोला कि आज तुम्हारा चल रहा है, तुम चला लो अच्छे से चला लो। तो भाई वो कैसे लगी आपको ये आईपीएल रील्स और ये स्पेशल हनी सिंह और बादशाह वाला रील्स? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक सो मच।